हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। मेरे चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बालों को पार्लर जैसा बर्गेंडी कलर घर में बनाना बता रही हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल को ऑप्शन दबाना ना भूलें। मैंने गैस पे ये पैन गरम करने के लिए रखा है। इसी के अंदर मैं 1.5 गिलास पानी डालूंगी। मैंने अभी 1 गिलास डाला है, आधा गिलास होगा। गैस को मैं तेज कर रही हूँ, इसे हमें अच्छे से बॉईल करना है। देखिए, पानी के अंदर उबाल आ चुका है। इसी के अंदर मैं आधा ग्रेट करा हुआ बीटरूट डाल रही हूँ। इसे शलजम भी कहा जाता है, लेकिन आपको ये जो डार्क कलर का आता है वही वाला यूज करना है। लाइट कलर वाला जो आता है उसका यूज नहीं करना है। मिक्स कर दीजिए। बस गैस को आपको मीडियम ही रखना है। मीडियम गैस पे इसे आपको अच्छे से उबलने देना है। इसी के अंदर साथ में मैं 1 बड़ा चम्मच कॉफी डाल रही हूँ। कॉफी से भी काफी बढ़िया अच्छा डार्क कलर आ जाता है। इसी के अंदर साथ में मैं 2 चम्मच चाय पत्ती डाल रही हूँ। बस इन सब चीजों को अच्छे से उबलने दीजिए। जितना अच्छा ये उबलेगा उतना अच्छा इसका कलर जो थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर इसे बार बार अपने बालों में यूज करते हैं तो इसका कलर जो है काफी अच्छा आने लगेगा और आपके बाल में शाइनिंग आने लगेगी। मार्केट के जो कलर रहते हैं सारे बालों को वो खराब कर देते हैं। कम उम्र में ही बाल जो है आपके व्हाइट होने लग जाते हैं। इस तरह से आप अगर हिना में पानी मिक्स करेंगे इसका, आपको इसमें बिल्कुल भी सादे पानी का यूज नहीं करना है। जो हम ये तैयार कर रहे हैं पानी, यही आपको यूज करना है। इसे हमें इतनी देर बॉइल करना है जब तक ये अपनी क्वांटिटी से आधा नहीं हो जाता। मैंने 1.5 गिलास लिया है, आपका 1.25 गिलास के करीब इसका पानी बचना चाहिए। बस मुझे इसे उबालते हुए लगभग 8 से 10 मिनट का समय हो चुका है। ये देखिए, काफी ज्यादा यहाँ पर था पहले, इतना ही उबल उबल के कम हो चुका है। बस हमें इतना ही उबालना है। गैस को मैं बंद कर रही हूँ। इस तरह से हम इसे पूरा छान लेंगे। मैंने इस तरह से इसे पूरा छान लिया है। ये देखिए, इसका कलर ही आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका कलर आया। इसे हमें अच्छे से ठंडा करना है। मैंने लगभग इसे 15 से 20 मिनट तक ठंडा कर लिया था। काफी अच्छे से ठंडा हो गया है। बिल्कुल भी ये गर्म नहीं रहना चाहिए। इस तरह से छूने पे आपको बिल्कुल भी गर्म नहीं लगना चाहिए। इसके अलावा मैंने मेहंदी ली है। जितनी बालों की आपकी लेंथ है उसके हिसाब से आप मेहंदी ले लीजिए। मेरे बाल जो काफी ज्यादा लंबे नहीं है, इसलिए मैंने कम ही क्वांटिटी में लिया। इसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालिए, इसे मिक्स करते जाइए। हमें इसमें सादे पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में बनाया है, क्योंकि इसे हम पूरा इसी में ही घोलेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आप इसे डालते जाइए और अच्छे से मेहंदी को घोल लीजिए। इसमें लम्स जो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। देखिए, मेहंदी को मैंने घोल लिया, लेकिन अभी थोड़ी सी गाढ़ी है। इतना पानी मेरा बचा है, इसमें ये पूरा लग जाएगा। इसी के अंदर साथ में मैं 1 चम्मच आंवले का पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि आंवला हमारे बालों के लिए काफी ज्यादा फायदा करता है। देखिए, मेहंदी का कलर ही आप देख सकते हैं कितना ज्यादा चेंज हो गया है। ग्रीन की जगह थोड़ा सा बर्गंडी कलर जो आता है उस टाइप से इसका कलर आया है। अच्छे से हमारे मेहंदी खुल चुकी है। पानी भी जो हमने बनाया था बिल्कुल परफेक्ट नाप से बनाया था। लगभग मेहंदी मैंने 1 कप के करीब मेहंदी ली थी। पूरा पानी जो मेरा है ये देखिए फिनिश हो चुका है। मेहंदी भी काफी अच्छे से खुल गई है, क्योंकि भीग जाएगी उसके बाद ये थोड़ी सी लिक्विड और होगी। बस हमें इतना ही करना है। इसे आप काफी अच्छे से फेंट लीजिए। लम्स बिल्कुल भी नहीं है। भीगने के बाद जो थोड़े बहुत छोटे छोटे से लम्स जैसे रहते हैं वो पूरे भीगने के बाद इसके खत्म हो जाएंगे। आप पूरा पीस में इकट्ठा कर दीजिए। इसके लिए आपको लोहे के बर्तन की कोई जरूरत नहीं है। जो भी बर्तन आपके पास में आप उसका यूज कर सकते हैं। देखिए, कटोरे में जो बाउल में आसपास पूरी जो मेहंदी लगी थी उसे मैंने इस तरह से बीच में सेंटर में कर दिया, ताकि वो सूख के हमारी वेस्ट ना हो। इसे आप अच्छे से ढक्कन को कवर कर पूरी रात भर आपको इसी तरह से छोड़ना है। सुबह मॉर्निंग में दिखाती हूँ इसका कलर और इसकी कंडीशन कैसी रहती है। मुझे इसे रखे और रात भर का समय हो चुका है। ये देखिए, कलर आप देख सकते हैं हमारी मेहंदी का कितना बढ़िया हो गया है।
इसे हम थोड़ा सा फेंट लेंगे, ये देखिए जो भी इसके लम्स रहते हैं वो पूरे लम्स जो है इसके खत्म हो जाएंगे। इससे कलर काफी बढ़िया आता है, आप खुद देख सकते हैं मेहंदी हमारी कितनी बढ़िया हुई है। इसे रात भर इस तरह से सोक करना जरूरी है, उससे ही इसका कलर जो काफी बढ़िया आएगा। इस मेहंदी को आप महीने में कम से कम 2 बार अपने बालों में जरूर लगाइए। इस तरह से फेंटने के बाद हमें डायरेक्ट नहीं लगाना है, इसमें एक चीज हम और डालेंगे जिससे बाल बिल्कुल हमारे सॉफ्ट भी रहेंगे, स्ट्रॉन्ग भी रहेंगे, इसके अलावा उन पे कलर भी अच्छे से चढ़ेगा। देखिए इसी के अंदर मैं 1 चम्मच ये सरसों का तेल डाल रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं डालना, सिर्फ हमें 1 ही चम्मच डालना है, 1 चम्मच काफी है। डाल के इसे आप थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। तेल डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, ये देखिए कितनी बढ़िया स्मूथ हो गई हमारी मेहंदी। लेकिन इसे आपको यूज करने का तरीका यह रहेगा कि आपके बालों में तेल बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद इसे आपको अच्छे से लगाना है, 4 से 5 घंटे तक आप अपने बालों में इसे लगा ही रहने दीजिए। 4 से 5 घंटे बाद इसे नॉर्मल पानी से आपको धोना है, ज्यादा गर्म पानी से यूज नहीं करना है। मैंने तेल ये सर्दियों के हिसाब से सरसों का तेल डाला है, गर्मियों में अगर इसे आप यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर आप नारियल का तेल का यूज कर सकते हैं। नॉर्मल पानी से आपको धोने के बाद इसमें शैम्पू का यूज आज आपको नहीं करना रहेगा। जैसे आज आपने हेयर वॉश करा तो आप बिल्कुल भी शैम्पू यूज मत कीजिए, बाल आपके अच्छे से सूख जाए उसके बाद उसमें अच्छे से तेल से आप चंपी कर लीजिए। जो तेल आपको सूट करता है वो तेल आप लगा सकते हैं, सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, जो भी तेल है आपके पास में उसका आप यूज कर सकते हैं। कलौंजी तेल भी आप इसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको शैम्पू करना है, उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपके बाल कितने बढ़िया हो गए। लेकिन 1 से 2 बार में कलर इतना अच्छा नहीं आता है, कम से कम आपको इस चीज को 15-15 दिन में 5 बार अगर आप रिपीट करेंगे तो आपके बालों में कलर जो है बरगंडी कलर काफी बढ़िया आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बनाया बताया, नेचुरल तरीके से, कोई भी केमिकल वाली चीजें मैंने इसमें यूज नहीं करी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, प्लीज कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।